नमस्कार अनिल कौर उपाध्याय। क्या प्यार पर आदि संत का कोई श्राप है? ऐसी कौन सी वजह है कि धरती पर जितने प्यार हुए हैं, अगर वो प्यार है वास्तव में पावन पवित्र और स्वच्छ प्यार है, तो उस प्यार की का परिणाम अच्छा नहीं हुआ, चाहे वो परिणाम देर से आया हो या तत्काल आया हो, प्यार का परिणाम बड़ा ही भयावह हुआ है, इसके पीछे क्या किसी संत का श्राप है? जी हाँ, बिल्कुल। हम आपको आज धरती के पहले प्यार की कहानी आपको हम लेकर के आएंगे और बताएंगे कि इस कहानी में कैसे श्राप दिया गया और आज के प्रेमी वो कौन सा काम करें कि सारा का सारा प्यार जो है एकदम जो है गार्डन गार्डन हो जाए। तो आइए, हम आपको लेकर चल रहे हैं धरती की पहली प्रेम कथा। हम आपको पहले कुछ नाम बताएंगे। ये नाम वो हैं जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया प्यार में, सब कुछ समर्पित कर दिया और परिणाम उनका जो है अच्छा नहीं आया। इसके या इसका दोष क्या सिर्फ हम उन्हीं का मानेंगे या कोई और आध्यात्मिक दोष भी है? चलिए कुछ नाम गिना रहे हैं। पहला नाम आपको गिना रहे हैं, आपको लैला मजनू का प्यार, श्री फरहाद का प्यार, हीर राजा का प्यार और इसके साथ ही सदा वृक्ष सारंगा का प्यार, सोनी महिवाल का प्यार, लोरिक चंदा का प्यार, छैला संधू का प्यार, चंपा रानी का प्यार और महुआ घटवारिन का प्यार, फूलझरी रानी का प्यार और इतना ही नहीं शशि पुन्नू का प्यार। ये ऐतिहासिक प्यार की दास्तान और कथाएं हैं जिनके नाम पर वो प्यार तो सफल तो कभी नहीं हुआ, असफल ही प्यार हो रहा, लेकिन इनकी इनको सम्मान के साथ इनकी कहीं पूजा भी की जाती है, लेकिन ये प्यार उनके जीवन में असफल रहा। इसके पीछे क्या श्राप था किसी का? तो ये था हमारे कुछ जो प्रचलित हैं हमारे आदि काल से लोगों में उनकी प्रेम कथाएं। हम अब आपको लेकर चल रहे हैं फिल्मों की ओर। हमारे एक आयाम फिल्म भी है। फिल्म क्या समझिए, फिल्मों में प्यार बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्यार हैं जो बड़े ही मशहूर प्यार हैं। गुरुदत्त और गीता दत्त का प्यार क्या सफल रहा? गुरुदत्त वहीदा रहमान का प्यार क्या सफल रहा? दिलीप कुमार सुरैया का प्यार, दिलीप कुमार का मधुबाला से प्यार, दिलीप कुमार का कामी कौशल से प्यार, ये क्या सफल रहे? ये सब असफल रहे। राज कपूर का नरगिस से प्यार असफल। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन का रेखा से प्यार असफल, मीना कुमारी का प्यार असफल और इतना ही नहीं, सिमी ग्रेवाल का प्यार वो भी असफल और प्रिया राजवंश का प्यार वह भी असफल। फिल्मों के प्यार पूरी तरह असफल रहे। अगर वो पावन है और स्वच्छ प्यार है तो वह असफल है। हम एक बात और बताना चाहेंगे, हम ऐतिहासिक प्यारों प्यार की कहानियों को नहीं ले रहे हैं, जैसे मुगल पीरियड हो या अन्य राजसी घरानों के प्यार हो, ये प्यार नहीं था। राजाओं के प्यार तो वासना से युक्त होते थे, यह प्यार वासनामयी प्यार से दूर था। ये प्यार एक पूजा है, इसमें त्याग है, तपस्या है, समर्पण है, स्नेह है और ऐसे प्यार क्यों असफल हो जाते हैं? जबकि वासनामयी प्यार वो तो मैं उसे प्यार को भी कहूंगा ही नहीं। तो आइए चलते हैं आदिकालीन संत के की कहानी कि हमारे प्यार को कैसे, किन कारणों से वह असफल होता है और आदिकालीन संत का प्यार कैसे हुआ और कैसे इसे श्राप मिला। संपदा से अनिल कौर उपाध्याय। धरती की पहली लव स्टोरी, एक ऐसे प्यार की स्टोरी जिसमें प्रेमी बाल ब्रह्मचारी है, प्रेमी ऋषि है, प्रेमी तपस्वी है, प्रेमी किसी भी पाप से दूर है, प्रेमी एकदम उज्जवल और अपने स्वच्छ चरित्र को लेकर के आलोकित है बृहस्पति पुत्र कच्छ के, और प्रेमिका देवयानी की जो कि शुक्राचार्य की पुत्री है और एक ऐसी नायिका है जो पूर्णतया समर्पित है प्रेम के प्रति और
निष्ठा के प्रति, पूजा के प्रति, संगीत के प्रति और अपने पूज्य पिताश्री के सेवा के प्रति। ऐसे दो अच्छे कैरेक्टरों के बीच ये कहानी कितनी भयानक होती है हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले, इस कहानी को जानने के पहले आपको चंद कुछ कैरेक्टरों के बारे में परिचित होना जरूरी है। हम सबसे पहले बता दें कि ब्रह्मा के पुत्र थे भृगु और भृगु की दो पत्नियां थीं और एक का नाम था दिव्या और एक का नाम पौलोवी। दिव्या जो है, आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी कि भृगु की पत्नी जो दिव्या थी वह भक्त प्रहलाद की बहन थी। प्रहलाद यानी हिरण्यकश्यप का पुत्र, ईश्वर भक्त प्रहलाद, राक्षस राज प्रहलाद, उसकी खास बहन थी दिव्या और दिव्या का वध विष्णु ने किया था। और दिव्या का ही पुत्र यानी कि भृगु और दिव्या से उत्पन्न पुत्र थे शुक्राचार्य और उनकी लड़की थी देवयानी। तो अब हम आपसे बता दें कि शुक्राचार्य ने राक्षसों का गुरु होना इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि देवताओं में श्रेष्ठ देव विष्णु ने उनकी मां का वध किया था, दिव्या का। और दूसरा कैरेक्टर इसमें भृगु की दूसरी पत्नी थी पौलोमी। ये पौलोमी जो है पुलोमा दानों की पुत्री थी, पूरी तरह राक्षसी थी, खानदान की थी, राक्षसी खानदान की थी पौलोमी। पौलोमी जो है इस ये भृगु की पत्नी थी और इसकी एक पुत्री सची थी और इसका एक पुत्र च्यवन ऋषि थे। नाम लेने पर गर्व होता है, लोग जो है च्यवन ऋषि का नाम लेकर के तमाम नाम लेते हैं, कहते हैं च्यवनप्राश भी उन्हीं के नाम से बनाया गया है। लेकिन सब तमाम बातें हैं, च्यवन ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे और च्यवन की बहन थी छोटी सची, सची और सची का विवाह जो है इंद्र से हुआ था और इंद्र से दो पुत्र हुए थे, दो संतानें हुई थी, एक पुत्र जिसका नाम जयंत था और एक पुत्री जिसका नाम जयंती था। जयंती को शुक्राचार्य से जयंती का विवाह कर दिया गया, शुक्राचार्य की सेवा भेजा गया, वहां शुक्राचार्य से शादी हुई। वैसे जयंती शुक्राचार्य के पास लंबे समय तक नहीं रही, लेकिन छोड़ करके चली गई कहीं और, फिर दोबारा शादी हुई, लेकिन शुक्राचार्य की पत्नी के रूप में जयंती का नाम आता है, इसलिए यह जानना जरूरी है। अब आते हैं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। देवयानी सिर्फ पुत्री ही नहीं थी, देवयानी के पांच भाई थे, पांचों दिव्य संत थे। एक का नाम त्वष्टाधर था, एक का नाम अत्रि ऋषि जिसका नाम बहुत ही मशहूर नाम है, और एक वारुणी, एक सांग, एक शर्ग और एक देवयानी। इस तरह से देवयानी के पांच भाई थे और देवयानी जो है शुक्राचार्य की सबसे प्रिय पुत्री थी जो शुक्राचार्य की सेवा में लगी रहती थी। अब आइए तीसरे कैरेक्टर पर, बात यही खत्म नहीं होती। हमने तो अभी आपको थोड़ा सा परिचय दिया है देवयानी और कच्छ से संबंधित। अभी देवयानी के हम पूर्वजों के संदर्भ में कुछ बताए हैं आपको कि उनके पूर्वज कैसे थे। अब हम आपको बता रहे हैं जो इंद्र का विवाह हुआ था शशि के साथ, तो शशि का भाई जो च्यवन थे उनकी शादी जो है दो कन्याओं से हुई, एक सुकन्या से हुई और दूसरी शादी आरुषि से हुई। आरुषि जो है मनु की पुत्री थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए। यानी कि ब्रह्मा के पुत्र भृगु, मानस पुत्र, और भृगु की पत्नी पौलोमी जो दानों की पुत्री थी उनसे हुए च्यवन, और च्यवन की शादी होती है आरुषि से जो मनु की पुत्री है, और आरुषि से हुए और ऋषि, और से हुए ऋषि जिसे ऋषि भी लोग कहते हैं कहीं, तो ऋषि के दो पुत्र हुए, माफ कीजिएगा दो नहीं, उनके जो है चार या पांच पुत्र हुए, लेकिन उसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था परशुराम, जिसको आपने अक्सर सुना होगा, भगवान परशुराम लोग कहते हैं। तो ये है परशुराम, जो इसी वंश से वो भी संबंधित है। हम कहानी कहने के पहले इन कैरेक्टरों को इसलिए बता रहे हैं कि यह आपका जानना जरूरी है, क्योंकि जब कहानी शुरू करेंगे तो आप लोग कहानी जानते हैं, लेकिन कैरेक्टर के बारे में न्याय तभी होता है जब उसका बैकग्राउंड हम जानते हैं। जैसे कि शुक्राचार्य ने राक्षसों को अपना शिष्य क्यों बनाया,
इसलिए बनाया क्योंकि शुक्राचार्य की माता का वध विष्णु ने किया था, और विष्णु ने जब उसे शुक्राचार्य की माता का वध यानी भृगु की पत्नी का वध किया दिव्या का, तो भृगु बहुत नाराज हुए और गुस्से में जाकर के विष्णु को एक लात मारा था। जो कहानी आप सुनते होंगे कि क्या रहीम प्रभु को घटो जो भृगु मारी लात, भृगु ने लात मारा तो भगवान का क्या नुकसान हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के इस कहानी को हम ये तो जानते हैं कि लात मारा था, लेकिन मारा क्यों ये पूछा जाए तो ये पता अधिकतर को नहीं है। ये मारा इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी का वध, भृगु की पत्नी का वध जो है विष्णु ने कर दिया था, इसलिए उन्हें मारा था। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं कच्छ की तरफ। कच्छ कौन थे? कच्छ जो है अंगिरा के पुत्र बृहस्पति थे। बृहस्पति बहुत सात्विक देवता थे और गुरु भी थे। बृहस्पति का पुत्र कच्छ था जो बाल ब्रह्मचारी था, कभी भी यह पाप से सर्वथा दूर था, इसने कभी झूठ नहीं बोला था, इसने जीवन में कभी कोई अनाचार नहीं किया था, जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी भावना इसके अंदर नहीं आई थी जिसके अंदर वो कलुषित भावना हो। इतना पावन एकदम उज्जवल निर्मल कोमल जो है इसका जो है कैरेक्टर रहा है कच्छ का, और कच्छ को जो है भेजा गया था इस कार्य में कि यह देवताओं का कार्य संपादित करे। तो कच्छ और हम देवयानी की प्यार की कहानी हम शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले हम दो शब्द और आपको बता दें कि कच्छ और देवयानी की इस कथा में ये सारे कैरेक्टर आते हैं, और इस कैरेक्टर में और कई नाम आएंगे, लेकिन मुख्य कैरेक्टरों के नाम हम आपके सामने इसलिए खो दिए बता दिए हैं क्योंकि ताकि आप इसे जाने और इस कहानी की जब पराकाष्ठा हो तो आप उसके साथ न्याय कर सकें। दो तथ्य और हम आपको बताना चाहेंगे। जो कहते हैं कि शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, उन्हें हम बता दें कि बलि को छलने के बाद वामन अवतार जो हुआ था, बलि को छला गया था जिस समय, उसके बाद शुक्राचार्य ने राक्षसों को छोड़ दिया, कहा कि हम तुम्हारे गुरु नहीं रहेंगे, और उसके बाद राक्षसों के गुरु हुए थे बृहस्पति देव गुरु। बृहस्पति ही राक्षसों के गुरु हुए थे, यानी जानने वाले ये जानते हैं कि शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बृहस्पति भी राक्षसों के गुरु का पद को उन्होंने संभाला था। और एक छोटा सा संशोधन और बता दें कि हमने आपसे बताया था कि और ऋषि के पुत्र ऋषिक थे जिनके वंश में परशुराम और उनके अन्य भाई पैदा हुए थे। तो ऋषि के पुत्र जमदग्नि थे और उनके पुत्र जो है परशुराम थे जो इस वंश परंपरा में पैदा हुए थे। चूंकि पीढ़ी लंबी है हम 60 में आपको इन नामों को बता रहे हैं। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं इस कथा की ओर। तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और कच्छ की प्रेम कथा हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कथा प्रेम की इसलिए शुरू होती है कि सबसे पहले यह था कि देवासुर संग्राम में देवता राक्षस से इसलिए हार जाते थे क्योंकि उनके गुरु थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी मृत्युंजयिनी विद्या। वो जब बैठते थे तो जो मर गए रहते थे उनके किसी भी अंश को लेकर के या उनका नाम लेकर के पुकारते थे, और वह मृत्युंजयिनी विद्या के सर से जीवित होकर के चले जाते थे, यानी राक्षस कभी मरते नहीं थे और देवता मरते थे, और परिणाम होता था देवताओं की हार। ये तय हुआ कि जगत गुरु शुक्राचार्य से उनकी विद्या छीन ली जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि शुक्राचार्य को वह विद्या जो है या तो काम न आए, और यदि आए भी तो एक ऐसा व्यक्ति और भी हो जो शुक्राचार्य से भी और तेज इस विद्या का प्रयोग कर सके। इसके लिए एक अच्छे खासे खड़ंग की जरूरत थी, तो इसके लिए तय हुआ कि राक्षस राज विश्वपरवा के पास इंद्र का पुत्र जयंत यह संदेश लेकर जाए कि युद्ध को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। तो यह संदेश लेकर के जयंत विश्वपरवा के पास गए। विश्वपरवा ने बड़ा सम्मान किया। एक बात ध्यान दीजिएगा, यह हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब किसी दुश्मन देश का भी कोई व्यक्ति जासूस या संदेशवाहक बनकर के जाता है और वह उसके से मिलता है उस देश के राजा से, तो बड़ा सम्मान किया जाता है। बड़ा सम्मान के साथ जो है विश्वपरवा ने इस शर्त को माना, कहा बिल्कुल हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारी सीमाएं जहां पर है वहीं पर रुकी रहेंगी, जब तक कि इंद्र और देवता हमें यह आदेश नहीं करते कि पुनः युद्ध शुरू किया जाए। और युद्ध जो है रोक दिया गया। यह युद्ध इसलिए रोका गया कि यह तय किया गया कि अब शुक्राचार्य की विद्या ग्रहण करने के बाद ही हम युद्ध करेंगे। लेकिन विद्या ग्रहण हो कैसे,
विद्या का हरण करने के लिए शुक्राचार्य की इस विद्या को समाप्त करने के लिए जिस व्यक्ति को सौंपा गया उसका नाम था कच्छ। कच्छ एक ऐसा व्यक्ति था जो एकदम शील स्वभाव और व्रत में रहने वाला, मधुर व्यवहार, सदाचारी, इंद्रिय संयम, ये सब उसके गुण थे और यही वह गुण था जिसके आगे देवयानी जो है प्रभावित हो गई थी। तो कच्छ को सौंपा गया। कच्छ तो पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन पिता ने कहा कि राष्ट्र हित के लिए, देवताओं के हित के लिए तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। तो कच्छ मजबूर हो गए और कच्छ ने अपने पिता भीष्म से आज्ञा लेकर के शुक्राचार्य के आश्रम में प्रवेश करने की योजना बनाई। और शुक्राचार्य की विशेषता यह थी कि शुक्राचार्य के आश्रम के चारों तरफ कड़े पहरे थे। राक्षसराज इस बात विश्वकर्मा ने व्यवस्था कर रखी थी, किसी भी शर्त पर किसी भी व्यक्ति को शुक्राचार्य के आश्रम में शिष्य के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वो जानते थे कि शुक्राचार्य के पास यदि कोई शिष्य आता है और विद्या का हरण कर लेता है धोखे से, तो हमारी बहुत बड़ी हार होगी। और ऐसे ही आश्रम में कच्छ का प्रवेश होना जरूरी था। कच्छ वहां पहुंचे तो कच्छ ने या जब पूरी व्यवस्था देखी तो मान गए कि हमें इसमें प्रवेश करना मुश्किल है। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, वह यह कि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, यह बहुत ही व्रती थी। देवयानी जो है आर्यकन्या जो है, गुरु कन्या ब्राह्मण पुत्री जो देवयानी थी वह स्वर गुण संपन्न थी, चंद्रमा की तरह शीतल थी, मृदु स्वभाव वाली थी और बड़ी कोमल थी। यह देवयानी को उसने सोचा कि ऐसी कन्या को प्रभावित किया जाए, ऐसी कन्या को प्रेम जाल में फंसाया जाए और कन्या का जो है सहारा लेकर के शुक्राचार्य के घर में प्रवेश किया जाए। और यह कार्य उन्होंने शुरू किया। कच्छ देवयानी से मिले, प्रेम प्रसंग चला, लंबे समय तक देवयानी की सेवा करते रहे, मिलते रहे, उसके उज्जवल और सुंदर कार्यों के प्रति हमेशा प्रशंसा के भाव गाते रहे। देवयानी ने एक दिन प्रसन्न होकर के उन्हें इनवाइट भी किया कि आप आइए हमारे यहाँ। वहां जाने के बाद धीरे धीरे यह शुक्राचार्य तक पहुंचे। कहानी तो बड़ी लंबी है कि देवयानी ने किसे के साथ का कैसे प्रवेश हुआ, लेकिन इतना है कि देवयानी इनको बहुत मानने लगी, इतना विश्वास करती थी। आप जानते हैं प्यार अंधा होता है। यह पहली बार जो है ऐसे तपस्वी और ऐसे जो है साध्वी, ऐसे लोग, ऐसे वातावरण में जहां की पाप बिल्कुल नहीं था, वासना बिल्कुल नहीं थी, ऐसे जगहों पर जो है एक प्यार का धोखा जो है सर पर चढ़कर बोला। देवयानी जो है इसके मोह पास में फंस गई और इसे शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को कच्छ इतना अच्छा लगने लगा कि एक क्षण भी उसके बिना वो नहीं रह पाती थी। और कच्छ को शुक्राचार्य भी इसलिए मानने लगे क्योंकि पुत्री का वह सेवक था। शुक्राचार्य के आश्रम में कच्छ का एकमात्र कार्य था देवयानी के कार्यों में हाथ बटाना, शुक्राचार्य के पूजा के लिए व्यवस्था करना, फूल लाना, आसन साफ करना, घर को साफ करना, यही सब एक नौकर की बात वो लगा रहता था, कार्य करता रहता था। एक बार देवयानी ने जो है कच्छ से कहा फूल लाने के लिए। इधर राक्षसों के जासूसों को पता चल गया कि एक आदमी, एक कोई बाहरी व्यक्ति, देवता नहीं, ये नहीं जान पाए वो, लेकिन बाहरी व्यक्ति देवयानी को मोह में फंसा करके शुक्राचार्य तक पहुंच गया है। ये बात राक्षसों के जासूसों ने विश्वकर्मा को बताया। बात खतरनाक थी। जब ये फूल लाने पहुंचे तो राक्षसों ने पकड़ लिया और पकड़ के इनको काटा, मार डाला और मारने के बाद पीस करके नदी में बहा दिया। और बहाने के बाद, चूंकि काटना, मारना और फिर पीस करके नदी में बहा देना ये जटिल कार्य था, तो उन्होंने बहा दिया। बहा देने के बाद अब देवयानी खोजने लगी, ये नहीं आए, चिंतित हुई। काफी विलंब हुआ जैसे पिता से कहा, पिताजी कच्छ नहीं आ रहा है, कुछ घटना अनहोनी हो गई है, लोगों की निगाह जो है हमेशा गलत होती है, एक छोटे से बालक पर लोगों की निगाह गलत हो गई, जिद पकड़ने लगी। तो शुक्राचार्य ने जो है निस्सलिनी विद्या का प्रयोग किया कच्छ के लिए। कच्छ सारे जो की कण
बहा दिए गए थे वो सब एकत्रित होकर के पुनः मूर्त रूप पुनः अपने सामने उपस्थित हुए और कहे कि प्रभु ये नहीं बताया कि हमारे साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कुछ लोगों ने हमें मार के फेंक दिया था, हकीकत कच्छ ने नहीं बताया, क्योंकि कच्छ ने बताया होता कि बृहस्परवा के सैनिकों ने मेरे साथ ऐसा किया है तो शुक्राचार्य शक करते। फिलहाल उन्हें आगाह किया गया कि आप इधर उधर न जाएं, आश्रम तक ही सीमित रहें। और पुनः इस तरह से एक बार और इन्हें कच्छ को भेजा गया, देवयानी भी भेजा, और इस बार तो कहर बच गया। राक्षसों ने पकड़ा तो कहा तो बड़ा गड़बड़ है, शुक्राचार्य जी इसको बार बार जिंदा कर देंगे और ये हमें जासूस लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, मार करके, पीट करके, काट करके, जला करके, इनके राख को मदिरा में डाल करके शुक्राचार्य को ही पिला दिया। याद रखिए शुक्राचार्य मदिरा का पान करते थे, मांस और मदिरा का सेवन राक्षसों के बीच चलता था। शुक्राचार्य के मांस के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मदिरा का वो पान करते थे और शुक्राचार्य को ही मदिरा में पिला दिया। तो शुक्राचार्य को मदिरा में पिला दिया तो स्थिति बड़ी भयानक हो गई। फिर वही बात, कच्छ का नहीं आना, विलंब होना, देवयानी का जिद पकड़ना, रोना, पिता से जिद पकड़ना। उन्होंने आवाज दी तो अब आवाज आई ब्रह्मांड से कच्छ की कि प्रभु मैं रोम रोम में आपके व्याप्त हो चुका हूं, लोगों ने मुझे आप पीस करके मार करके मदिरा में घोर करके आपको ही पिला दिया है, अगर मैं अब जिंदा होऊंगा तो आप मर जाएंगे, इसलिए मुझे आप जिंदा न करें। देवानी ने जिद पकड़ लिया, कहा नहीं उसे जिंदा कीजिए, तो शुक्राचार्य का भी अगर वो जिंदा होगा तो मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका उपाय है आप कच्छ को विश्वजनी विद्या सिखा दीजिए, और यदि आप सिखा देंगे तो कच्छ जो है जब जिंदा होंगे आपको मार करके तो विश्वजनी विद्या के बल पर आपको जीवित कर देंगे। यानी कुछ गड़बड़ तो हो गया। अब पुत्री के स्नेह में आकर के उन्होंने कच्छ को जो है उसकी आत्मा को यूं कहिए कि उन्होंने विद्या दी, और कच्छ ने विद्या का और कच्छ को विद्या जब सीख ले कच्छ तो शुक्राचार्य ने विद्या का प्रयोग किया और कच्छ उनको मार करके उनके शरीर को फाड़ करके बाहर निकल आया। और बाहर निकलने के बाद कच्छ ने देवयानी से कहा कि मेरा कार्य संपन्न हुआ, मैं जाना चाहता हूं। देवयानी ने अपने पिता को जीवित करने की बात कही, कच्छ ने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। कच्छ ने विश्वजनी विद्या का प्रयोग करके शुक्राचार्य को जीवित कर दिया और प्रणाम कर कहा कि मुझे जाने की अनुमति दीजिए। शुक्राचार्य समझ गए कि मेरी विद्या करण हो चुका है। शुक्राचार्य इस बात को जान गए विद्या करण हो चुका है। उन्होंने कहा तू छली कौन है, अपना साफ साफ नाम पता, क्रोधित हो गए शुक्राचार्य, तुझे अपना पता बताना पड़ेगा। तो उसने हाथ जोड़ खड़ा कहा प्रभु मैं बृहस्पति पुत्र कच्छ हूं। कहा देवताओं का जासूस, तूने एक ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण के साथ दगा किया है, इसलिए पहला शाप शुक्राचार्य ने दिया कि ब्राह्मण होकर तूने ब्राह्मण के साथ छल किया है, इसलिए धरती पर आज के बाद ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ ही छला जाएगा। देवयानी ने कहा कि आपसे मैंने प्यार किया है, उसने कहा हमने तो आपसे प्यार नहीं किया। कच्छ ने कहा कि मैंने आपसे प्यार नहीं किया, उसने कहा आप जो कुछ प्यार की बातें बोलते थे, कहा ये तो राज धर्म के लिए मैंने किया, तुम गुरु पुत्री हो, हम तुम्हें गुरु पुत्री की तरह सम्मान करते हैं, हम तुम्हें पत्नी नहीं बना सकते, तुमसे प्यार नहीं कर सकते। देवयानी आग बबूला हुई क्रोध से, उसे श्राप दिया कि जा तेरी विद्या तेरे काम कभी नहीं आएगी। कच्छ ने भी श्राप दिया कि जा तुझे मनवांछित कभी ब्राह्मण नहीं मिलेगा जिससे तुम शादी कर सको। अर्थात यहां श्राप एक दूसरे को श्राप देने का एकदम बौछार सा शुरू हो गया, सब एक दूसरे को श्रापित करने लगे। और इस प्रकार से कच्छ वहां से उस आश्रम से विद्या को छल करके देवताओं के पास पहुंचा। इस प्रकार देवासुर संग्राम के लिए उनकी विद्या का हरण हुआ। लेकिन एक पहला प्यार, जिस प्यार के चलते एक प्यार में एक धोखा हुआ और बृहस्परवा का साम्राज्य जो है समाप्त हो गया, उन्हें हार देखनी पड़ी। इसका एकमात्र कारण था प्यार में छल।
एक बात हम आपसे बताना भूल गए, शुक्राचार्य ने एक श्राप ये भी दिया था कि चूंकि विद्या का हरण का सबसे बड़ा कारण था मेरा मदिरा पान करना, इसलिए उन्होंने कहा था कि आज के बाद जो ब्राह्मण मदिरा का पान करेगा उसका नुकसान ही होगा, कभी फायदा नहीं, उसका भला नहीं होगा, ब्राह्मण हमेशा छला जाएगा यदि मदिरा पिएगा तो ये भी एक श्राप इसमें जुड़ा हुआ है। ब्राह्मणों को श्राप है कि मदिरा यदि वो पिएंगे तो उनका नुकसान होगा। मेरी बातों को मेरे पाठक और जो श्रोता सुन रहे हैं क्षमा करेंगे, मैं आपके भावनाओं को आहत नहीं कर रहा, लेकिन यह सही है कि ब्राह्मण के लिए मदिरा वर्जित है। ये कथा हम अपने मन से, हमने कुछ नहीं कहा, जो भी हमने तथ्य लिया है महाभारत के संभव पर्व के 76वें अध्याय से हमने लिया है। ये तो सही है कि महाभारत लिखा गया था 8000 श्लोकों का ही, लेकिन इसे 1,00,000 कर दिया गया। हमें मतलब नहीं कि किसने क्या जोड़ा, लेकिन वर्तमान में गीता प्रेस से छपे हुए महाभारत में ये कहानी मौजूद है। हम कहानी आपको इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि एक बात मुझे आपसे कहनी है, और कुछ नहीं, लेकिन एक बात है कि यदि कच्छ और शुक्राचार्य को नमन करते हुए प्रेमी और प्रेमिका प्यार करें तो वह प्यार सफल